नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है, तो आपको जो है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग IPL के फैन हो, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को सब्सक्राइब करना है, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के साथ में। फिलहाल जो आपको मैंने कल बताया था क्या कि वॉशिंगटन सुंदर जो है कोविड पॉजिटिव है, इसके चलते वो वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, हो चुके हैं बाहर। तब जो होती है अपने भाई BCCI ने जो है ना वॉशिंगटन सुंदर के बदले में दो प्लेयर को स्क्वाड में ऐड किया है। वो दो प्लेयर कौन से है? एक है जयंत यादव और सेकेंड है नवदीप सैनी। यानी कि जयंत यादव और नवदीप सैनी को जो है टीम इंडिया ने उनके वनडे के स्क्वाड में ऐड किया है, जो कि वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलेंगे उनके बदले में। दोस्तों अब यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं SS की। कल जो है भाई SS का लास्ट पांचवा टेस्ट मुकाबला चालू होगा, जिसको लेके जो अपडेट आ रही है, सैम बिलिंग जो है भाई फिलहाल इंग्लैंड के लिए टेस्ट में उनका डेब्यू करेंगे और हो सकता है सैम बिलिंग्स विकेट कीपिंग भी करे, लेकिन कंफर्म है सैम बिलिंग्स उनका डेब्यू करेंगे टेस्ट मैच में। वहीं जो है ना भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बात तो कंफर्म कर दिया कि उस्मान ख्वाजा जो भाई 4 टेस्ट मैच में सेंचुरी मारे दोनों इनिंग्स में, उस्मान ख्वाजा हम सभी को ओपन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो मार्कस हैरिस है उनको जो है ड्रॉप किया गया है, हैरिस के बदले में जो है ट्रेविस हेड खेलेंगे नीचे, और वहीं जो उस्मान ख्वाजा है वो ओपनिंग करेंगे डेविड वार्नर के साथ में, ये बात कन्फर्म है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ और अहमदाबाद की फ्रेंचाइज की, आखिरकार वो तीन कौन से प्लेयर रहेंगे, जिसको लेके जो है ना BCCI ने अहमदाबाद और लखनऊ दोनों प्लेयर को जो है ना एक डेडलाइन दे दिया है कि 22 जनवरी शाम के 5 बजे तक, यानी कि 22 जनवरी शाम के 5 बजे तक जो है भाई ये डेडलाइन है अहमदाबाद और लखनऊ की टीम को, भाई आप इस टाइम तक आपके कौन से तीन प्लेयर्स हैं इनका अनाउंसमेंट कीजिए। यानी कि भाई जो है हम बहुत जल्दी जो है हम सभी को 22 जनवरी को मालूम पड़ सकता है कि तीन प्लेयर कौन से पिक मतलब हुए हैं अहमदाबाद और लखनऊ फ्रेंचाइज के द्वारा। अगर आपको जानना है तो मैं जो है ना आप सभी को सबसे पहले ये खबर टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप लोग भाई टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, इसको आपको क्लिक करना है और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों अभी जो है ना ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है BCCI के प्लान बी को लेके। देखिए भाई ये प्लान बी कुछ इस तरीके से काम कर सकता है। मान लीजिए IPL के टाइम पे अगर कोविड बढ़ जाता है हमारे इंडिया में, तब जो BCCI है वो उनका प्लान बी कर सकती है। अब देखिए भाई इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे पास में न्यूज़ ये आई है कि जो प्लान बी के तहत जो है ना BCCI साउथ अफ्रीका या तो फिर श्रीलंका में IPL को होस्ट कर सकती है। अगर वो इंडिया में IPL होस्ट नहीं कर पाती है तब जो प्लान बी है, प्लान बी के तहत जो है ना IPL साउथ अफ्रीका या तो फिर श्रीलंका, ये दो जगह में से किसी एक जगह में हो सकता है एज पर रिपोर्ट। अब देखते हैं भाई इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। हम लोग तो ऐसा करते हैं भाई पूरा का पूरा IPL इंडिया में किया जाए, ऐसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पे आप क्रिकेट फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। ये 85 प्लस ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, जहां पे आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे दिए गए लिंक से अभी इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लेजेंड्स क्रिकेट लीग के शेड्यूल की। देखिए भाई 20 जनवरी से लेजेंड्स क्रिकेट लीग चालू हो रही है, जिसका जो शेड्यूल है ना रिलीज़ हो चुका है। मैंने आप सभी को जो है इसका कंप्लीट शेड्यूल भाई टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है, बहुत लोग वहाँ पे न्यूज़ देख भी लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हो आप लोग टेलीग्राम पे जाके हमारी अपडेट देख सकते हो। एट दी एंड बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की। देखिए भाई टीम इंडिया अंडर 19 के जितने भी मैचेस आने वाले हैं ये साल लाइव, आप लोग जो है ना इंडिया के सभी मैच को लाइव देख सकते हो स्टार नेटवर्क पे। यानी कि जो स्टार नेटवर्क है यहाँ पे आप लोग टीम इंडिया के अंडर 19 के सारे वर्ल्ड कप के मैचेस को लाइव देख सकते हो। तो भाई ये थी हमारी वीडियो अपडेट्स, मैंने आप सब तक पहुँचा दी। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लेंगे। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।